हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। दिल्ली पुलिस के मुखिया कमिश्नर संजय अरोड़ा ने अपने जवानों का हौसला बढ़ाया। दक्षिणी दिल्ली में 1.17 करोड़ के गहने के लूटपाट के मामले में सॉल्व करने वाली पूरी टीम को खुद दक्षिणी दिल्ली के AATS ऑफिस आकर उनका सम्मान बढ़ाया और रिवॉर्ड के तौर पर नगद राशि दी और काफ़ी देर तक पूरी टीम के साथ साउथ दिल्ली के AATS के दफ्तर में रहे। दक्षिणी दिल्ली के सबसे महंगी रोबड़ी में 1.17 करोड़ की रोबड़ी का केस सॉल्व हो जाने के बाद दिल्ली पुलिस के मुखिया द्वारा पूरे स्टाफ को सम्मानित किया गया है। ये तस्वीर दक्षिणी दिल्ली के AATS ऑफिस की है, जहां दिल्ली पुलिस कमिश्नर यहां अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आए और आखिर किस घटना को सुलझाने के बाद दिल्ली पुलिस के मुखिया यहां पहुंचे, उस घटना के थोड़ी जानकारी आपको देते हैं। 10 मई 2023 को हौस खास थाने में एक PCR कॉल मिली थी, जिसमें कॉलर ने बताया था कि बंदूक की नोक पर उसके साथ स्कूटी पर 2 लोग आए थे और लूटपाट की। लेकिन जब कॉलर ने लूटपाट होने के सामान के बारे में जब बताया तो दिल्ली पुलिस के होश उड़ गए। लूटी हुई सामान सोने और हीरे के गहने से भरा बैग था, जिसकी कीमत 1.17 करोड़ थी, जिसको सुलझा लिया गया है। उसी पर ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने सम्मानित किया उन सभी पुलिस टीम के पुलिस कर्मियों को। पिछले महीने 10 तारीख को हौस खास थाने के अंतर्गत एक रॉबरी रिपोर्ट हुई थी, जिसमें 1.17 CR की ज्वेलरी को रॉब किया गया था। और 10 तारीख को ये घटना हुई, उसके बाद हौस खास की टीम, AATS की टीम, और इसमें हमारे नारकोटिक्स का भी इन्वॉल्वमेंट था, एक कलेक्टिव तरीके से इसमें काम करते हुए इस केस को वर्कआउट किया और केस को विदिन 3 डेज वर्कआउट किया। दोनों मेन अक्यूज्ड अपराधी जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको बिहार शरीफ से अरेस्ट किया गया। इनफैक्ट ये बिल्कुल ही ब्लाइंड केस था हमारे लिए, क्योंकि जो अबैंडन स्कूटी हमें मिली थी वो भी 5 बार बिक चुकी थी, तो इस वजह से ये असर्टेन करना कि एक्चुअली क्या नंबर है क्या नहीं है, टेक्निकल सर्वेलेंस इस्टेब्लिश कर पाना भी बड़ा मुश्किल था, बिकॉज इन्होंने फेक IDs, फेक आधार कार्ड के आधार पे सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे। बट वी कुड स्टिल ट्रैक देम, और पूरी जो कॉन्स्पिरेसी थी वो बिहार में रची गई थी, और बिहार में जा कर के हमारी टीम ने काफ़ी टाइम तक वहाँ स्टेशन किया नालंदा और बिहार शरीफ में। रेड की शुरुआत आगरा से हुई थी, हमने इसमें 4 मुख्य आरोपी पकड़ लिए और 2 अभी भी उनकी तलाश जारी है, जिनकी इंफॉर्मेशन अभी भी हमारी टीम के पास है, एंड वी आर एट इट, वी आर ट्राइंग आर लेवल बेस्ट टू अरेस्ट देम एज़ वेल। कितने आइटम मिले थे टोटल? टोटल 181 आइटम्स लूटे गए थे, जिनमें से 121 हमने बरामद कर लिया। CP साहब ने टीम की हौसला अफजाई की है, टीम को बधाई दी है, और टीम को इसी तरीके से मेहनत करके डिस्ट्रिक्ट में अच्छा काम करने की प्रेरणा दी है। CP साहब जो है ऊपर भी गए, टेक्नोलॉजियल में काफ़ी तारीफ की है, बहुत अच्छा क्या है। हमारी निरंतर डिस्ट्रिक्ट में हमारा प्रयास यही रहता है कि हम चीज़ों को सुव्यवस्थित करें और ज़िले में क्राइम को कंट्रोल करें, और अगर कोई क्राइम रिपोर्ट हो तो उसको जल्द से जल्द वर्कआउट करें।